टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट दी ओसीडी। ओसीडी क्या है, ओसीडी किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ओसीडी की डेफिनेशन क्या है, ओसीडी व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ओसीडी, ओसीडी की वजूहात क्या है, व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, ओसीडी की अलामत क्या है एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिस कोमल अजीज, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट। ओसीडी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें इंसान अपना ही बिहेवियर अगेन अगेन रिपीट करता है, अपने किए हुए एक्ट को वो अगेन रिवाइज करता है, जिसकी वजह से उसका टाइम भी कंज्यूम होता है, उसका टाइम भी ज़ाया होता है। इसकी वजह से इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी रहता है, अपनी कामयाबी की उसकी जो है वजूहात भी इससे डिस्टर्ब होती हैं। ओसीडी की वजह से इंसान जो है एक अग्रेसिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी थॉट्स उसे डिस्टर्ब रखती हैं। ओसीडी जो है बेसिकली एक वहम का इंसान इसमें शिकार हो जाता है, जैसे उसको किसी ना किसी खौफ में वो मुब्तला रहता है, जैसे कि अगेन अगेन हाथ धोना कि हाथ साफ़ नहीं है, अपनी जगह को चेंज करते जाना कि ये जगह ठीक नहीं है, या किसी इंसान को खो देने का खौफ का एहसास रहना, या किसी इंसान को अपने अंडर या कंट्रोल में कर लेने का हर वक्त सोचते रहना, या अग्रेसिव हो जाना किसी को लेके कि उसने मुझे ये कहा था तो मैंने अब जब तक उसको ये नहीं कहना वो नहीं कहना, हर टाइम ओवर थिंकिंग में चले जाना। और इसकी वजह से आप जो है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस से नुकसान बनते हैं, दूसरों के लिए भी आप एक अग्रेसिव थॉट्स रखते हैं और ये आपकी लाइफ के बहुत से मामलात को डिस्टर्ब रखती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग एक थेरेपी के ज़रिए करते हैं, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसमें हम उस क्लाइंट के थॉट्स को पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको एक न्यू वे देते हैं कि वो अपनी थॉट्स को चेंज कर सके, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब वो इस डिज़ीज़ में मुब्तला होता है वो अपने टाइम को भी ज़ाया करता है, अपने काम में भी उसका दिल नहीं लग पाता, इसके अलावा वो डेली बेसिस पे वो एक अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग भी उससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, आप लोग मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मरहम के थ्रू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।